ट टूज ट्वेंट्री एन बल्चिता एवरी वीर नाउ यू कैन प्रिपेयर यूर एडिकेट फ्राम मकसद एप यहाँ पे आप लोग को क्या क्या मिलेगा यू कैन सी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग और इन सबके अंदर क्या क्या मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों के पास चैप्टर वाइज टेस्ट है और फिर उसकी ग्रेन टेस्ट है हेलो दिस इज डॉक्टर सैम देखिए जी आज जो है मैं बैठा हुआ था और आप लोगों के लिए थ्री मंथ्स प्लानिंग जो है वो बनाई है पूरी की पूरी और सिलेबस देख के ये आप लोग का सिलेबस है उसमें आप लोग का जितना वेटेज है वो सारा जो है मैंने स्टडी किया और उसके बाद जो है मैंने आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कस्म का थ्री मंथ्स प्लान जो है मैंने बनाया हुआ है ठीक है अच्छा जी सबसे पहले स्ट्रक्चर आ रहा है आप लोग के सिलेबस में और वो ये है कि आप लोगों के जो टेस्ट हैं उसमें 200 सौ एम सी क्यूज़ होंगे थ्री पॉइंट फाइव आवर्स टेस्ट होगा और टेस्ट जो है वो आई थिंक कि इस दफ़ा फिजिकल होगा और आप लोग के पास जो पासिंग क्राइटेरिया है जो एम बी बी एस में एडमिशन लेना चाहती है उनके लिए पैंसाठ परसेंट जो है वो लाजमी है ठीक है और जो बी डी एस में एडमिशन लेना चाहती है उनके लिए पचपन परसेंट जो है वो पासिंग स्कोर रखा गया है एंड देयर इज़ एस नेगेटिव मार्किंग अलबत्तः इसमें जो है चेंजेस भी पॉसिबल है इस साल ठीक है लेकिन वो इंशाल्लाह बाद में अनाउंस होंगे कि ईटा वाले या यू एच एस वाले या दूसरे जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं अगर वो कोई चेंजेस

डिफिकल्टी लेवल अगर हम देख लेते हैं नीचे आके 20% इजी, 60% मॉडरेट और 20% जो है हार्ड एमसीक्यूज़ है अब देखिए जी हमारे पास जो इजी और मॉडरेट है ये बिल्कुल आप लोगों के पास बहुत इजी होते हैं ठीक है और जो आप लोगों के पास हार्ड एम सी क्यूज़ सो वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं वो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि, कि किस तरह के एम होते हैं ठीक है दूसरा आप लोग देखें कि सेवेंटी क्वेश्चन जो है वो रिकॉल होंगे रिकॉल होंगे और थर्टी जो है वो एप्लीकेशन लेवल के होंगे इन बातों का क्या मतलब है और ये आप लोग जो है अपनी थ्री मंथस प्रिपरेशन में इन चीज़ों को कैसे बर्वेार लाएंगे इनको देख के आप लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे अच्छा जी आप लोगों के पास 70 परसेंट जो है वो रिकॉल क्वेश्चन होते हैं रिकाल क्वेश्चन मुराद है कि ये हमारे पास बुक स्टेटमेंट्स होते हैं बिल्कुल कंप्लीटली बुक स्टेटमेंट्स होते हैं और बुक स्टेटमेंट जो है वो मोस्टली बायो से आते हैं और बायो का जो वेटेज है वो भी ज्यादा है ठीक हो गया अब आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि बायो जो है वो आप लोगों के कंप्लीटली होली सूल आपके रिविजन पर डिपेंड करता है और थ्री मंथ्स में आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिविजन कैसे कर सकते हैं अप टिल द पेपर वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने उसको चीज को प्रिपेयर करना है तो अगर सेवेंटी रिकॉल है तो इसका मतलब यह कि जितनी रिविजन होंगे आपके पास यू आर सक्सेसफुल ठीक है अब थर्टी परसेंट है, होते हैं और में भी आप इस चीज़ को पीछे जाए, और वो जो है, जहां से आप लोगों को एमसी क्यों मिले डिफिकल्ट उसके पीछे जाए और आसान आसान चीजें आप लोग छोड़ दें ऐसा कभी भी नहीं करना ठीक है हमेशा से आप लोगों ने बिल्कुल अपने लेवल के मुताबिक स्टडी करनी है बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने भी ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन के पीछे आप लोगों ने पूरा दिन किया या फिर आप एकेमसी क्यों के पीछे पड़े हैं या जो है डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जो डिफिकल्ट आता है बहुत ज्यादा या उसका बहुत स्टेटमेंट होता है आप लोग उसको जो है स्किप करें आगे जाए और जो आसान आसान चीजें होती हैं उनके ऊपर जितना फोकस करेंगे इन जितने स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई है जो मेरे जूनियर्स है जो मेरे जो जानने वाले हैं सब कहते हैं कि इजी स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोगों ने उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है 70 तो वहां से ईजीगली कवर हो जाता है जो थर्टी परसेंट है उसके लिए भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है और सुपरफिशियल रहना है और जितना हो सके आप लोग रिविजन करें ठीक है अच्छा जी अब हम आते हैं अपनी थ्री मंथ्स प्लानिंग के ऊपर तो उसमें सबसे पहले आप लोग के पास है बायोलॉजी ठीक है बायोलॉजी में तेरह चैप्टर है तेरह चैप्टर जो है वो बहुत इजी चैप्टर है इसमें कोई डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है और आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने डेली एक चैप्टर करना है अब आप लोग मुझे ये ना कहे कि सर मैं पूरे दिन में एक चैप्टर करता हूँ वरना आप जो है आप किसी काम की नहीं है अगर आप पूरे दिन में एक चैप्टर कर लेते हैं आपने जो है कम अज़ कम कम अज़ कम तीन घंटों के अंदर अंदर आपने पूरा चैप्टर खत्म करना है ये कैसे पॉसिबल है ये इससे ऐसे पॉसिबल है कि आप लोग मोबाइल ना उठाए फजूल चीज़ों में ना घुसे स्टडी के दौरान किसी से बात ना करें बस बिल्कुल फोकस रहे आपके पास पेन होना चाहिए कॉपी होना चाहिए और बुक होना चाहिए ताकि आप लोग नींद में ना जाए थोड़ा बहुत लिख के साथ में ठीक है क्योंकि नींद जो है वो बड़ी खराब चीज है थोड़ा बहुत लिखेंगे साथ साथ में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देख लिया तो आप लोग को नींद नहीं आएगी और तीन तो आप लोगों ने यह टारगेट रखना रह रह है अपने पास घड़ी रखनी है कि यार मैं तीन घंटे के अंदर अंदर जो है पूरा चैप्टर खत्म करूंगा क्योंकि तो पूरा दिन आपने बायो के ऊपर नहीं वेस्ट करना तो इसका हिसाब ये होगा कि अगर आप तेरह दिनों में ये खत्म करेंगे तो आप लोगों का एक महीने के अंदर दो रिविजन हो जाएंगे और अगर तीन महीने हैं तो छह रिविजन हो जाएंगे आप लोगों के पास तो यार बायो के चीज रिविजन कम है और साथ साथ में आप लोगों को दो तीन दिन की छुट्टी भी मिल रही है साथ साथ में लेकिन ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप जो है स्टडी के दौरान फूजूलूसम काम कभी भी ना करें ये मैं गुस्से से कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं छी घंटे सात घंटे पढ़ लेते हैं उसमें दो घंटे पढ़ लेते हैं चार घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं करना पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं ठीक है उसमें क्या हो जाएगा इन आप लोगों की ची रिविजन जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया और बायो की अगर इससे कम रिवीजन है आप लोगों के पास चीज़ है तो टेस्ट देने ना जाए ठीक है क्योंकि बायो जो है आपने कंटिन्यूअसली पढ़नी है और जो लास्ट मंथ है और जो लास्ट मंथ है आई I मीन mean कि अगस्त का जो महीना है उसमें कसम से आप लोग दिन में तीन घंटे के अंदर तीन चैप्टर नहीं करेंगे तो आप किसी काम के नहीं है यार इतना तो बनता है ना सेकंड ईयर में पढ़ा है फिर रिपीटिंग में भी पढ़ा है फिर एक दफा और भी पढ़ा है इतना पढ़ 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 के आप लोग अभी भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना होना चाहिए अगर फर्स्ट रिवीजन आपसे टाइम टाइम ले रहा है तो मैं मान रहा हूँ लेकिन अगर उसके बाद भी आपसे टाइम ले रहा है तो दैट्स नॉट फेयर आप फिर स्टडी के दौरान कुछ और कर रहे हैं तो क्लियर हो गया ये चीज़ अगस्त में तो आपकी रिविजन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए बायो आपने ऐसे नहीं करना कि एक दिन पढ़ना है फिर दो दिन नहीं पढ़नी है फिर एक दिन आपने डेली के हिसाब से आपका एक प्रॉपर डोज है वो डोज आपने कंप्लीट करना है दैट्स डन अच्छा जी अब आप सुबह नमाज के लिए उठे थे नमाज़ के बाद जो है आप लोगों ने तीन घंटे में क्या कर लिया तीन घंटे तक आप लोगों तो ने बायो पढ़ा बायो में जो है आप लोगों ने अच्छा किया ठीक है आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब आप, आप, आप सपोज जो है सुबह नमाज़ के लिए आप उठे थे अब आप आठ बजे का ब्रेक ले रहे हैं आठ बजे में आपने खूब नाश्ता किया ज़बरदस्त फ्रेश होकर आठ बजे के बाद आपका एक सब्जेक्ट भी कोर हो चुका है दिन अभी शुरू हुई है और आप लोग फिजिक्स के सामने बैठ गए ठीक है अब फिजिक्स के सामने आप बैठे हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं आपने चैप्टर स्टार्ट किया इसमें भी तेरह चैप्टर्स हैं यार तो आप मुझे बताएं आठ बजे आप बैठे हुए स्टडी या नौ बजे आप बैठे हुए हैं उससे पहले आप लोगों ने बायो नमाज़ बाद कवर की है ठीक है बहुत ज्यादा टाइम होता है अब जो है दोपहर तक आपके पास चलो टाइम है दोपहर तक आप एक चैप्टर नहीं कर सकते मेरा मतलब यह है कि सुबह आप उठ गए और उठने के बाद सपोज आप छः बजे उठ गए या पांच बजे उठ गए और वहां से लेके छः बजे से आप सात आठ नौ आ, दस ग्यारह बारह एक इतना टाइम है आपके पास और इसी दौरान आपने एक चैप्टर बायो का किया और एक फिजिक्स का किया आप ये लोग ये नहीं कर सकते ये तो बनना चाहिए ना इंसान को इतना तो आप लोग को कल होनी चाहिए कि एक चैप्टर आप दोनों में से करें वैसे घुमा फिरा के मैं नहीं बताऊंगा मैं सीधा सीधा यही बताऊंगा कि आप लोग जो है दोपहर नमाज से पहले पहले आपका एक बायो चैप्टर होना चाहिए और एक फिजिक्स का होना चाहिए अगर आप लोग नहीं कर रहे तो फिर ऐसा करें ना ठंडे पानी से नहा के दोबारा से बैठ जाए और फिर जो है आप लोग फिजिक्स का एक चैप्टर कवर करें ठीक है लेकिन दिन के अंदर अंदर आपका एक फिजिक्स चैप्टर मुझे चाहिए एक बायो चैप्टर चाहिए और ये दोनों चैप्टर आपके डन दोपहर से पहले पहले फिर आप लोग जो है खूब वो करें क्या करें खाना खाएं खाने के बाद जो है चाय पिए ठीक है चाय के बाद थोड़ी सी गपशप जिसके साथ भी हो तो एक इजी सा माहौल बनाए अगर आपने जो है दोपहर तक खुदा करे कि आप बारह बजे तक अपना टास्क कंप्लीट करेगा बारह बजे तक कंप्लीट किया तो फिर एंजॉय करें लेकिन टास्क इज टास्क ठीक हो गया अब जो है आप दो बजे साढ़े दो बजे जब आपका दिल चाहे आप बैठ जाएं अब आप बैठ गए केमिस्ट्री के सामने सॉरी हाँ केमिस्ट्री के सामने ठीक हो गया अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में से आपने एक चैप्टर कवर करना है तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इतने लंबे, लंबे 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 दो पैर हैं इतने लंबे दो पैर है जितना आपका दिल चाहे बंदा सो जाता है फिर उठ जाता है फिर स्टडी करते जाए फिर सो जाता है फिर उठ जाता है फिर सो जाता है और उसके बाद भी जो दो पैर खत्म नहीं हो रहा तो अगर उसमें भी आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं कर रहे तो मेरी जान आप क्या कर रहे हैं कर क्या रहे हैं अब ऐसी भी ना बने कि आप दोपहर को सो गए और छः बजे के बाद उठ गए तो फिर तो आपका मकसद ही नहीं है <laughs> अच्छा जी अब आप लोग देखें ना क्या असर टाइम हो गया है आप लोगों की दिन की जो टास्क है तीन टास्क कंप्लीट हो चुके हैं अब आप लोगों के पास असर टाइम है निकले वायर क्रिकेट खेले गो में पिरे जो भी है बस अब बोल जाए कि मेरा भी कभी एमडिकेट हुआ करता था या है। कभी एमडिकेट आएगा ठीक है ये नाम भी भूल जाएँ जितने इंजॉय कर सकते हैं कर ले बाद में आ जाए सेवन को आप आ जाए ठीक है लेकिन अगर आपका टास्क कम्प्लीट नहीं है तो फिर आप असर को भी पड़े फिर आप लोगों को कोई हक़ हाँ नहीं है कि आप जो है बाहर जाके घूमें फिरें ठीक है अगर टास्क कम्प्लीट है तो बेशक आप निकल सकते हैं अब आप लोगों के पास क्या है शाम के बाद एक बंदा तीन महीने में लॉजिकल रीजनिंग के जो चे एम सी क्यूज़ है उसकी प्रपरेशन नहीं करता तो आप मुझे बताएं शाम के बाद कितना टाइम है आप लोगों के पास सोने तक और अब जो है आप लोगों के पास दो चीज़ें रह गई है एक लॉजिकल रीजनिंग रह गया है एक इंग्लिश रह गया है अब आप लोग लॉजिकल रीजनिंग की जो प्रिपरेशन है वो नहीं कर सकती इतने टाइम में और इंग्लिश नहीं कर सकती यार फिर तो मैं क्या कहूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है और अब आप लोग देखें एक दो घंटे इसके लिए दे दें और उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट कर दें अब आप तीन महीने जो है तीन महीने में इंग्लिश और वो जो है लॉजिकल रीजनिंग शाम के बाद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर मेरे पास क्या मेरे पास टूटे पैसे भी नहीं है आ, अब आप मेरी बात सुने कि इतना टाइम तो अगर आप इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं ठीक है वेस्ट नहीं कर रहे आई डोंट मीन दैट आई मीन कि इसकी इन दोनों की प्रिपरेशन के लिए आपको अगर आप डेली डेली इन दोनों को एक घंटा उसको देंगे लॉजिकल रीजनिंग को देंगे और दो घंटे जो है आप इंग्लिश के लिए देंगे तो फिर भी इनफ है ठीक है और ये आपका जो है फर्स्ट मंथ में कॉर हो जाएगा तो फिर आप लोगों के पास जो अगले दो मंथ रह जाएंगे उसमें आप इन दोनों की बी रिवीजन करें साथ में जो और सब्जेक्ट्स हैं आपके पास टाइम ही टाइम है अगर आप लोग सोचेंगे ना इस चीज़ के ऊपर तो आप लोग के पास टाइम ही टाइम है इतना टाइम है कि टाइम ही टाइम है तो आप लोग जो है इस चीज़ टेंशन ना लें ठीक है ईजी कोर्स है बिल्कुल कम सिलेबस है आ, लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ कि आप डेली का टास्क जो है वो कम्प्लीट करें ये मेरे हिसाब से जो है तीन मंथ के लिए आप लोगों के विद रिविजन पूरी की पूरी टास्क थे जो शायद आप लोग को डिफ़िकल्ट लग रहे हों लेकिन एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए हाँ एक और बात एट द एंड मैं आप लोग को कहना चाहूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा आप लोग का माइंड शार्प नहीं है आप लोग फर्स्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट Region, अगर आपसे एक महीना भी ले रहा है ना थर, थ, हाफ हाफ चैप्टर भी अगर हम करेंगे दिन को ठीक है तो फर्स्ट मंथ में आप लोग का फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो अगले दो महीने हैं तो उसमें तो कम अज कम तेरह पंद्रह तो फिर जो अगले दो महीने आप लोग के पास रह जाएंगे तो उसमें तो कम से कम आप लोग पंद्रह दिन में कम से कम एक रिवीजन जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए ठीक है तो जो मेरा एक्चुअल जो एक्चुअल मेरा वो है प्लानिंग है तो मैं पंद्रह दिन में आप लोगों से एक रिवीजन मांगता हूँ और ये आप लोग को मैंने बता दिया कितना बड़ा काम है यार अगर आप लोग बायो का एक चैप्टर नहीं कर सकते फिजिक्स का एक नहीं कर सकते केमिस्ट्री का एक नहीं कर सकते साथ साथ में आप प्रैक्टिस टाइम के लिए भी टाइम आप लोग को चाहिए जो आप रात को कर सकते हैं इन दो सब्जेक्ट्स के साथ तो थैंक यू सो मच